विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का बल लगाते हुए यहां पर जीत का अहम दावा करती हुई देखी जा रही है। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इन पांचों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नवंबर के महीने में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की कुछ अहम रणनीतियां बनती हुई देखी जा रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अहम फैसले सुनाते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना की तरफ रुख करने जा रहे हैं। तेलंगाना में जल्द ही उनका पहला दौरा देखने को मिलेगा। मालूम हो कि तेलंगाना में सत्ता में BRS की सरकार है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जहाँ एक तरफ साफ तौर पर ऐलान करते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री का वह दावा कर रहे हैं बनने का। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे आ चुके हैं। जानकारी दे दें कि योगी आदित्यनाथ अब जल्द से जल्द यहां पर अहम ऐलान करते हुए देखे जाएंगे तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, BRS और कांग्रेस के बीच एक तगड़ी भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस भी जीत का दावा लगातार करती हुई देखी जा रही है। जानकारी दे दें कि अब यहां पर तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जल्द से जल्द शुरू होने जा रहे हैं। 3 नवंबर के दिन से नामांकन शुरू होंगे और 30 नवंबर को यहां पर मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो जन समर्थन जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना पहुंचेंगे। 26 और 31 अक्टूबर को चार विधानसभा क्षेत्रों में वह दौरा करते हुए नजर आएंगे और जाहिर है कि जनसभा को संबोधित करते हुए भी देखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को वारंगल पूर्व और वर्धन पेट विधानसभा क्षेत्रों में पहले से प्रस्तावित जनसभाओं के कार्यक्रम में बदलाव हो रहा है। वहीं 31 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ लाल बहादुर नगर और मुधोल विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की इस हुकार से क्या वाकई में BRS की सरकार पर कोई गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्या वाकई में इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस, क्योंकि 119 विधानसभा सीटें हैं और 119 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो महज एक ही सीट पर BJP जीत हासिल की थी 2018 में और यहां पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी ने जीत हासिल की। अब देखते हैं कि कांग्रेस यहां पर बाजी मारती है या फिर BJP या फिर एक बार फिर से सत्ता में BRS। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।